नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बिल्कुल छोटी छोटी आसान बातें बताएंगे जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आने वाली हैं। और यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आइए जानते हैं कि वह क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और आपको अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को ये बातें अवश्य बतानी चाहिए। दोस्तों, पहली बातें हैं कि आपको जब भी अपने घर में आप पूजा करें तो भगवान का मंदिर यानी पट जब भी खोलें तो हमेशा कोई ध्वनि करके ही, जैसे कि आप अपने हाथों से ताली बजाएं या फिर घंटी बजाएं, यानी जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो डोरबेल बजाते हैं या नॉक करके ही जाते हैं, उसी तरह से जब हम अपने मंदिर का पट खोलते हैं सुबह पूजा करने के लिए या फिर संध्या के समय पूजा करने के लिए, तो आपको हमेशा ध्वनि करके ही भगवान को, देवताओं को जगाना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। दूसरी बात दोस्तों कि आपको कभी गीले बालों से, यानी आपने बाल धुले हैं और उनमें से पानी टपक रहा है, टपकते हुए पानी बालों के साथ में आपको पूजा नहीं करना चाहिए। आप अपने बालों को पोंछ लें, सुखा लें और कंघी से बना संवार लें, उसके बाद पूजा पर बैठें। और तीसरी बात दोस्तों, आसन का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। पूजा करते समय जमीन में बैठ के आपको पूजा, जब तक कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वह जमीन यानी कि पृथ्वी ग्रहण कर लेती है। जैसे कि आपको पता ही है कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण होता है जो कि हमारी एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है, तो इसलिए आपको आसन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप अपने बाथरूम की बाल्टियों को कभी भी खाली न रखें, पानी डाल के हमेशा रखें, चाहे थोड़ा ही पानी डालें, उसमें पानी अवश्य होना चाहिए। कभी भी अपनी घर बाथरूम की बाल्टियों को पलट के नहीं रखना चाहिए, इससे अशुभता आती है। रसोई घर में जब भी आप भोजन पकाएं सुबह सवेरे, तो पहला आहार आपको गाय के लिए अवश्य निकालना चाहिए, यानी कि पहली रोटी आपको गाय के लिए बनानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। रात्रि को शयन करते समय आपको भगवान का स्मरण करके सोना चाहिए और अपने पैरों को धो के सोना चाहिए। और दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप पैर धोएं तो उन्हें सुखा के पोंछ लें, उसके बाद ही आप अपने बिस्तर पर जाएं। जब भी आप अपने बालों में तेल लगाते हैं उसके बाद वो तेल लगे हुए हाथ आपको अपने शरीर पर नहीं रगड़ना चाहिए, यानी कि सिर के तेल आपको अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी का क्षय होता है। तो अपने बिस्तर पर बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए और ना ही कभी आपको अपने बिस्तर पर बैठ के नाखून काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश हमेशा लगा रहता है। आपके घर जब भी मेहमान आते हैं तो आप उन्हें हमेशा फुल ग्लास पानी देना चाहिए, यानी कि आपका जो पानी का ग्लास होता है वह खाली नहीं होना चाहिए। और ना ही मेहमानों के बाद जो उनकी बची हुई चीजें होती हैं, जैसे कि आपने नाश्ते के लिए मेहमान को जो कुछ भी दिया है, उनके जाते ही आपके घर के बच्चे या आप स्वयं उसमें से खाने लगते हैं। ऐसा करने से भी आपके ग्रह दोष बिगड़ते हैं और आपके घर में धन हानि का योग बनता है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर के आसपास के प्रांगण में कभी भी आपको पेशाब नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर खड़े होकर चोरी, चुगली या निंदा करनी चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे पुण्य का क्षय होता है। तो दोस्तों, ये थी छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमें रोजमर्रा में काम आती है और हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।